अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। टोरंटो से बात कर रही हूँ जी और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और अभी जो मुफ्ती साहब ने शुबे का अजाला पेश किया वो बेमिसाल है। वाकई सुनकर ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला ने इनको शरह सदर अता किया है माशाल्लाह। वाकई मुफ्ती साहब दिफा इस्लाम का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है और वो ये है कि कुरान खानी का तरीका क्या है। लोग अपने घर में बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमारी 10 सिपारी ले लो, हमारी 5 सिपारी ले लो, और इस तरीके से वो इस तरीके से शामिल हो जाते हैं उसमें। या कोई कहता है कि मैंने 15 सिपारे पढ़े हैं वो ले लो, फिर आगे से शुरू कर दो। तो क्या ये सही है कि वो अपने घर में बैठकर इस तरीके से शामिल हो और फिर वही सारे सवाब एक आदमी बैठकर सबकी तरफ से कर दे कि उसने इतने दिए, उसने इतने दिए, इतने ये सब कुछ। और दूसरा जो आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है कि व्हाट्सएप पर बैठे हैं तो व्हाट्सएप पर कहते हैं कि हमने 10 लाख मरतबा दुरूद पाक का एक सिलसिला शुरू किया है, आप भी इसमें शामिल हो जाएं और आप पढ़कर और हमें बताएं कि मतलब आपने कितना पढ़ा है। तो क्या ये तरीका सही है कि अपने अपने घर में बैठे व्हाट्सएप पर 10 लाख मरतबा दुरूद का नजराना पेश किया जा रहा है? ये सब समझ में नहीं आता है। आप जरा प्लीज रहनुमाई फरमाइए कि ये इसका सही तरीका क्या है। जी जी बहुत शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने आज की शुबे के इजाले को अप्रिशिएट किया और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कलवाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ आता हूँ उसी वक्त ये शुबा जो है मुझे पेश कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही इलाही तौर पर मेरी मदद करते हैं और मैं उस शुबे को हल करने की कोशिश करता हूँ। पहले से मुझे खबर नहीं होती कि आज क्या शुबा पेश करने लगे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला दस्तगीरी करते हैं। और वाकई आपने जो बात कही कि अल्लाह ने आपको शरह सदर अता फरमाया है, आमीन सुम्मा आमीन, यही हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शरह सदर अता किया हो और वाकई अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास जो है इल्हामी कुव्वत के साथ जो है मुझे दस्तगीरी करता रहे और मैं इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का इसी तरह दिफा करता रहूँ और अल्लाह मेरे इस दिफा को कबूल व मंजूर फरमाए। और बाकी आपने जो पहला सवाल किया कुरान खानी के हवाले से, कुरान खानी का आम मामूल तरीका तो वही होता था कि लोग जमा हो जाते थे एक जगह पे, वहाँ बैठ के कुरान करीम पढ़ते थे और अपनी सहूलत के साथ कोई एक दिन रख लिया, वहाँ जमा हो गए और कुरान पढ़ के उसका इशारे सवाब जो मरहूम को पहुँचा दिया। लेकिन आज का तेज़ रफ्तार दुनिया के अंदर अब एक जगह पर जमा होना सबके लिए पॉसिबल नहीं, अपने अपने घरों के अंदर बैठ के वो सहूलत के साथ पढ़ सकते हैं। मौसमी असरात बसौकात ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, एक जगह सबका जमा होना पॉसिबल नहीं, तो उस सूरत में इस तरह बिल्कुल किया जा सकता है कि तय कर लिया आप अपने घर में बैठ के आप एक पारा पढ़ दें, दो पारा पढ़ दें और वो जो आपस में सब कमिट हो गया और वो एक दूसरे कनेक्शन में है और बता दें मैंने दो पारे पढ़ दिए, नोट कर लिए दो, मैंने 15 पढ़ लिया जी, 16वां आप पढ़ लें, इस तरह करके पता चला 3 कुरान ख़त्म हो गए। और फिर कोई एक मरकजी आदमी कोई भी हो, कोई आलिम हो या फाजिल हो, कोई नेक खातून हो, वो जो घर में जो है सब कोई दुआ करा दे कि जो पढ़ा या अल्लाह फ़लाँ मरहूम को पहुँचा दे, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इस तरह किया जा सकता है। और इसी तरीके से तीसरा सवाल जो किया कि सलात व सलाम के हवाले से लोग कह देते हैं हमने 1.25 लाख दुरूद शरीफ आज शब जुम्मा में ख़त्म करना है, आप कितना पढ़ें वो हमें लिख के भेज दें, व्हाट्सएप के ज़रिए से वो कमिटमेंट हो जाती है। तो लोग फिर अपना पढ़ने के बाद वो भेज देते जी मैंने 10,000 पढ़ दिया, दूसरा कहते 10 मैंने पढ़ दिया, यूँ करके 1.25 लाख पूरा हो गया। तो फिर मरकज़ी तौर पर जो कोई एक शख्स दुआ करा देता है या ये कि हर बंदा अपना पढ़ा हुआ जो है वो पहुँचा देता है, तो ये तरीका भी सही है। अपने घर में बैठ के आप सलात व सलाम इस तरह पढ़ के अपना नजराना पहुंचा दें, क्योंकि असल में तो सलात व सलाम लेने के लिए मलाइका फरिश्ते मौजूद हैं। चुनाचे जो है वो खुद बुखारी शरीफ की हदीसें हैं कि जो फरिश्ते आसमानों में घूमते हैं अहले जिक्र को ढूंढते हैं, इसी तरीके से ऐसे मलाइका जो सिर्फ सलात व सलाम को ढूंढते हैं तो सलात व सलाम लेकर जो है वो पहुंचते हैं और रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचाते हैं। इस तरह अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपने ग्रुप बना लिया और लोगों ने आपको इतला कर दी कि हमने इतना पढ़ लिया और आपने कह दिया कि आज शब जुमा में जो है मतलब 3 लाख दुरूशी पढ़ गया, हमने 1.25 लाख कहा था मतलब 3 लाख तक हो गया और 3 लाख हमारी तरफ से पहुंचा है, तो सबके नामों के साथ निसाई शरीफ की हदीस है नाम ले लेकर फरिश्ता वहाँ इतला करता है कि या मोहम्मद सल्ला अली का फ़लान बिन फ़लान कज़ा व कज़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ जो फ़लाँ का बेटा ये बेटी है उसे इतना इतना नजराना दुरूद आपकी खिदमत में भेजा है।
तो ये तरीका बिल्कुल सही है, आज की एनवायरनमेंट के अतबार से बिल्कुल ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। बाकी असल तरीके वही हुआ करते थे कि सब महफिल एक जगह पर जमा हो गई, वहाँ बैठ के सलात सलाम पढ़ा और पढ़ के उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश कर दिया। तो वो तरीका भी अपनी जगह सही है जहाँ वो पॉसिबल हो। जो असल है वो असल को भी ख़त्म होना चाहिए, कभी ना कभी इज्तिमा करके बैठ के भी पढ़ के बख्शें, लेकिन इस तरीके से अगर करें इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं, आज के अतबार से बिल्कुल जायज़ है और करना चाहिए। हज़रत सलातुस्सलाम या कुरान घर में बैठ के पढ़ने में जो पढ़ने वाला करने वाला उसको भी तो सवाब होता है अपनी ज़ात के लिए, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है।